श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान ने गीता जी में कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। प्रभु कहते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं, महात्मा लोग, महान आत्माओं वाले जो होते हैं, वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर भजन करते रहते हैं, अर्थात दैवी गुण संपन्न होते हैं, आसुरी गुणों से दूर रहते हैं। भक्तों, ये सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, सात्विक व्यक्ति, उनकी ही बात की जा रही कि वो लोग भक्ति करते हैं, किंतु सात्विक व्यक्ति बहुत सज्जन सरल स्वभाव के होते हैं, विश्वास कर लेते हैं हर ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, शंका कहीं नहीं करते। इसीलिए कभी कभी उनको विचलित करने वाले, भटकाने वाले, दूसरी तरफ धोखा दे करके गिराने वाले लोग भी मिल जाते हैं, और वो उनकी बात भी सच मान करके वैसे चल पड़ते हैं, किंतु भगवान उनकी ऐसी सुरक्षा करते हैं कि ऐसे कुसंगियों से फिर छुड़ा करके फिर सही मार्ग पर ले जाने के लिए किसी को, अपने भक्त को उनके पास पहुंचा देते हैं, कृपा करते हैं, रखवाली कर लेते हैं और बचा लेते हैं अपने भक्त को, पथभ्रष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आप जो चरितावली सुनेंगे, भक्त विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय की चरितावली, उसमें कुछ इसी प्रकार की लीला है। ये बहुत सात्विक थे, बहुत सज्जन थे, लेकिन भटकाने वालों ने भटकाया भी, फिर प्रभु ने बचाया, ये इनके चरित्र में आपको सुनने को मिलेगा। ये एक बहुत सज्जन पिता के पुत्र थे, कलकत्ता के पास की बात है, हावड़ा जिले के माकड़दह ग्राम में श्री श्यामाचरण चट्टोपाध्याय रहते थे। वे पोस्ट ऑफिस में एक उच्च पदाधिकारी थे, बड़े सरल सज्जन सदाचारी और भक्त थे। वे नित्य अपने घर पर कीर्तन किया करते। जब अपने प्रिय संगी श्री देवेंद्र चक्रवर्ती, जिनको जय निताई भी कहा जाता था, उनके साथ कीर्तन करते, तो महाराज दोनों भाव विभोर हो जाते थे दोनों लोग, और 3-4 घंटे तक भाव की अधिकता के कारण मूर्छित से पड़े रहते थे। इतना भाव था, इतना भक्ति थी। एक बार पड़ोस के कुछ दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग समझ करके उनकी परीक्षा करने के उद्देश्य से, जब वो मूर्छित थे भाव की अधिकता में, महाराज उनके शरीर से अग्नि का स्पर्श करा दिया कि पता चले कि ये ढोंग है, कि वास्तविकता है। ये ढोंग होगा तो अग्नि छूटे ही वो भागेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अग्नि के स्पर्श से उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि मूर्छित थे वो। तब वो चकित हुआ व्यक्ति जो अग्नि से स्पर्श कराया था, और फिर उसके मन में थोड़ी ये श्रद्धा हुई कि इनके ढोंग नहीं है, ये तो वास्तव में कीर्तन की विचित्र शक्ति के कारण मूर्छा है। इन जिनकी बात मैं कर रहा हूं, श्यामाचरण चट्टोपाध्याय की, जो मूर्छित हो जाते थे कीर्तन में, जिनकी अग्नि स्पर्श करा करके परीक्षा किया था एक विमुख व्यक्ति ने, इन्हीं श्यामाचरण चट्टोपाध्याय के दूसरे पुत्र थे, द्वितीय पुत्र श्री विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। और ये विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय के जो पिताजी, जिनके अभी कीर्तन की बात में बता रहा था, कीर्तन मूर्छित हो जाते थे, उनके पुत्र थे विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय। तो जैसे पिता इनके महान सात्विक थे, भक्त थे, इसी तरह से अपने पिता की तरह से ये भी सरल स्वभाव के, सदाचारी और धर्मनिष्ठ थे। और
उस जमाने में बीए पास करके कानून की परीक्षा भी पास किया है, और इसके बाद वे हुगली कोर्ट में वकालत करते थे। पर वे सत्संग प्रेमी थे, साधु वैष्णवों की खोज में सदा रहते थे, और सरलता के कारण साधुओं का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे, और परमार्थ सिद्धि के लिए जो भी जो साधन कोई बता देता था उसी में जुट जाते थे। इतने सीधे सज्जन सरल विश्वासी व्यक्ति थे कि शंका नहीं करते थे किसी के ऊपर। और एक बार उनको कोई ऐसा भटका हुआ साधु मिल गया जो भगवान का भक्त नहीं था, तो उसने ये कह दिया कि 21 दिन तक दिन में आहार नहीं करो, भोजन बिल्कुल नहीं करो 21 दिन तक, और रात में केवल एक हरे नारियल का पानी पियो बस। उधर बंगाल में डाव बोलते हैं। तो उसने कहा कि रात में एक डाब का जल पी करके और 24 घंटे कुछ खाओ ही नहीं, केवल रात में एक डाब अर्थात नारियल का पानी पीना है, और कर्ण पिशाचनी का साधन करना है, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है। तो उससे क्या होगा कि देवी का दर्शन मिल जाएगा तुमको। ऐसे महाराज भका दिया उस साधु ने, और ये इतने भोले थे, बीए और एलएलबी किए हुए थे उस जमाने में, पढ़े लिखे थे, लेकिन पिताजी जैसे इनके सीधे सज्जन सरल वैसे ये भी थे। तो महाराज इन्होंने उस साधु के ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि साधुओं के प्रति इनकी श्रद्धा थी, तो इन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझको भी कोई धोखा दे सकता है। अब ये उससे मंत्र लिए उस बाबा से, वो भक्त तो था नहीं, तो कर्ण पिशाचनी वाला था, मंत्र लेकर के साधना करने लगी, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि तुमको देवी का दर्शन मिल जाएगा 21 दिन में ही, कुछ खाना नहीं, बस एक नारियल का पानी एक बार पीना केवल, वो भी एक ही नारियल का। और शुरू कर दिया इन्होंने, और उपवास के कारण शरीर बहुत दुर्बल हो गया, एकदम कमजोर, ताकत नहीं थी शरीर में, लेकिन फिर भी साधन नहीं छोड़ा इन्होंने। और 21वें दिन अर्धरात्रि के समय, जैसा कि वो बाबा ने बतलाया था, उसी के अनुसार वे बेलपत्रों से आहुति दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बेलपत्र स्वतः सरकने लगे। महाराज तमोगुणी साधना थी जो कर्ण पिशाचनी की थी, तो बेलपत्रों के सरकते हुए देखा, तब ये थोड़ा सा डर गए, और डर के कारण मंत्र के बीजोच्चारण में भूल हो गई, तो इसलिए कर्ण पिशाचनी उन्हें पकड़कर घसीटने लगी। यही भक्तों तमोगुण साधना में यही गड़बड़ है। भगवान की भक्ति के मार्ग में तुम राम की जगह रामा बोल दो, कृष्ण की जगह कृष्णा कृष्णो, हरे राम को हरे राम बोल दो, हरे कृष्ण को हरे कृष्ण कह दो, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान का नाम थोड़ा सा उधर भी हो जाए तब भी पूरी शक्ति होती, उसमें भक्ति में कोई कमी नहीं आती। लेकिन ये तो तमोगुणी साधना थी ना, कर्ण पिशाचनी वाली साधना तमोगुणी थी, इसमें मंत्र में दोष हो जाएगा तो दंड भी मिलता है, जिसकी आराधना की जा रही वो नाराज भी हो जाता है। ये सात्विक भक्ति का मार्ग तो था नहीं। तो महाराज जो मंत्र के उच्चारण में बीजोच्चारण में भूल हो गई, वो बेल के पत्ते सरकते देख करके थोड़ा डर गए, तो उच्चारण में भूल हो गई, तो कर्ण पिशाचनी उन्हें पकड़ के घसीटने लगी और जोर से चीख पड़े। तो पास के बरामदे में सो रहे उनके मित्र मधुसूदन भट्टाचार्य दौड़ के आए, और बहुत देर तक सांत्वना देने के पश्चात उन्हें फिर भयभीत जो थे बहुत ज्यादा, किसी तरह से थोड़ा भय मुक्त कर पाए, लेकिन उस डर के कारण उनको बुखार हो गया। और
फिर इसके बाद वो इतना ज्यादा भयभीत हो गए थे कर्ण पिशाचनी के घसीटने से, कर्ण पिशाचनी ने घसीट करके इतना बेकार कर दिया इनको कि महाराज लीवर भी खराब हो गया, स्प्लीन भी खराब हो गई और फीवर हो गया और दांत से खून बहने लगा और ऐसी हालत हो गई कि बहुत दिन तक बेड पर पड़े रहे। यहां तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मुख से बोलने की भी शक्ति नहीं रही, हालत इतनी खराब हो गई डॉक्टर लोग मना कर दिए कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे। इस प्रकार से जब मरने की अवस्था आ गई इनकी, तब मन ही मन कहने लगे कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, हे प्रभु मैं भटक गया था, आपकी भक्ति की जगह देवी का दर्शन करने की धुन में कर्ण पिशाचनी की जो सिद्धि करने लगा उसमें मुझसे बहुत गलती हो गई, हे प्रभु आप रक्षा कर लीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसे भगवान को पुकारने लगे और भगवान ने उनकी सुन ली। महाराज उसी समय सूक्ष्म जगत में एक तरंग दौड़ गई और काशी में बैठे श्री हरिबोलानंद ठाकुर का हृदय आलोड़ित हुआ। मैं हरिबोलानंद ठाकुर का चरित्र आपको सुना चुका हूं भक्तों, वो काशी में थे उस समय हरिबोलानंद ठाकुर, और उनका हृदय आंदोलित हो गया और उनकी प्रेरणा से 3-4 साधु विपिन बिहारी के घर पहुंचे और दरवाजे पर आकर गाने लगे, प्रेमदाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। अब ये भक्ति मार्ग के संत लोग आ गए थे, वो गा रहे प्रेमदाता निताई बोले गौर हरि बोल गौर हरि बोल। और इस प्रकार से जब भगवान का नाम गाने लगे तो नाम की ध्वनि ने विपिन बाबू के हृदय में फिर ऐसी शक्ति प्रकट की, ऐसी अभूतपूर्व शक्ति प्रकट की नाम की ध्वनि ने कि जो इतने दिन से शय्याशायी थे, बेड पर पड़े हुए थे, जो बिना किसी के पकड़े करवट भी नहीं बदल सकते थे, ऐसी हालत थी, वे किसी अज्ञात शक्ति की सहायता से उठ करके बैठ गए नाम का कीर्तन सुनने पर। जो इतने दिनों से बोल भी नहीं सकते थे, उन्होंने माँ को बुलाया और कहा माँ जो लोग कीर्तन कर रहे हैं उन्हें यहाँ बुला लो, और माँ ने दरवाजे पर जाकर के उनसे प्रार्थना की और उन्हें विपिन बाबू की शैया के पास ले आई और विपिन बाबू उनके चरणों में लौट गए, उनकी चरण रज से अपने सर्वांग को अभिषिक्त किया और 3 दिन उन्हें घर में रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा की संतों की, और फिर उनका अधरामृत ग्रहण किया, प्रसाद पाया और कुछ ही दिनों में संतों के प्रसाद से भगवान के नाम कीर्तन से वे रोग मुक्त हो गए। जिस तकलीफ को बीमारी को कष्ट को दूर करने में डॉक्टरों ने मना कर दिया था, भगवान के नाम कीर्तन और भगवान के भक्तों के संतों के और भगवान के प्रसाद से वो बीमारी खत्म हो गई और उन्हें नव जीवन प्राप्त हुआ। ये नाम की शक्ति से हुआ या वैष्णवों के अधरामृत की शक्ति से हुआ ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन ये एक चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को मिला और इसके मूल में थे हरिबोलानंद ठाकुर, उन्हीं की कृपा से संत लोग आए थे उनके भेजे हुए और उनके कीर्तन और प्रसाद से वो स्वस्थ हो गए। महाराज मरते हुए से बच गए, भगवान ने कृपा करके बचा लिया उनको। तो ये विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय को इस तरह से नवजीवन मिला भक्तों। अब इनके चरित्र की इस घटना से प्रमाणित होती है बात कि इस युग में यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान जैसे वो कर रहे थे, हवन कर रहे थे, बेलपत्र सरक रहे थे, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रहे थे, ये आज कलयुग में ये सब बहुत सही नहीं लगता है, अर्थात हानि कर देता है। भक्ति का मार्ग सही है, उसमें सभी के लिए प्रभु की कृपा प्राप्त होती है,
ये तमोगुणी मार्ग ठीक नहीं है आज। इस पर जो चलते हैं ना लोग, वो बहुत पछताते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री भी नहीं मिलती, सही उच्चारण होने में दोष हो जाए तो उसमें भी नुकसान होता है। इसलिए भक्ति का ही मार्ग सबसे अच्छा है, सबसे सरल भक्ति का मार्ग, जिस पर आंख बंद करके प्रभु का नाम बोलते हुए आप चल सकते हैं। नाम में कोई दोष हो जाएगा उच्चारण में, कोई आपको पाप नहीं लगेगा और पूरा नाम का प्रसाद कृपा आपको प्राप्त होगी। महाराज विपिन बाबू कीर्तन करने वाले हरिबोल ठाकुर का परिचय प्राप्त करने के बाद उनके दर्शन और सत्संग के लिए उत्कंठित हो उठे। जो संत लोग आए थे हरिबोलानंद जी के भेजे हुए, उन लोगों से प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज का हमें भी दर्शन कराइए। और घर वालों से स्वास्थ्य लाभ करने के उद्देश्य से वैद्यनाथ जाने का बहाना करके काशी जा पहुंचे, क्योंकि हरिबोलानंद जी तो काशी में थे, अब घर वाले तो जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए गुरु का दर्शन करने के लिए वैद्यनाथ जाने का बहाना किया और काशी जाकर गुरुदेव के पास पहुंच गए। और काशी में उनके ससुर भी रहते थे विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय के, वो एक बड़े जमींदार थे और ससुर के घर रहकर वे हरिबोल ठाकुर का सत्संग करने लगे। और ठाकुर ने प्रसन्न होकर के उन्हें अष्टादशाक्षर मंत्र दे करके नाम रखा नित्यानंद। ठाकुर मतलब ये हरिबोलानंद जी, जो संत हरिबोलानंद जी थे उन्होंने दीक्षा की इनकी और नित्यानंद नाम रखा। एक दिन नित्यानंद की परीक्षा करने के लिए ठाकुर ने उनसे कहा, मुझे बड़ा आर्थिक कष्ट है, तुम अन्नपूर्णा मंदिर के सामने भिक्षा के लिए कपड़ा बिछा करके बैठ जाओ। अब किसको कह रहे हैं, जो पहले वकील था, खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वकील था, उसको बाबा ने परीक्षा करने के लिए गुरुदेव ने कह दिया कि अन्नपूर्णा मंदिर के सामने कपड़ा बिछा करके भिखारियों की लाइन में बैठो और दिन भर जो भिक्षा मिले तो शाम तक जो भिक्षा मिल जाए मुझे ला के देना। महाराज जी इतने विश्वासी गुरु भक्त सरल स्वभाव के ये वकील साहब विपिन बिहारी चट्टोपाध्याय, कि ये नित्यानंद अब तो नाम हो गया था इनका, ये तत्काल अन्नपूर्णा मंदिर गए और मंदिर के सामने भिक्षुकों की पंक्ति में कपड़ा सामने बिछा के बैठ गए और ससुराल के लोग अन्नपूर्णा के दर्शन करने गए तो वो इस प्रकार उनको भिक्षुकों की अर्थात भिखारियों की पंक्ति में बैठा देखा जाए तो इनके ससुराल के लोग बड़े नाराज हुए, बहुत बिगड़े कि ये क्या तुम कर रहे हो, भिखारियों की लाइन में कपड़ा बिछा के बैठे हो भीख मांगने के लिए, बड़ा बुरा भला कहा इनको, पर ये तो ऐसे अडिग कि गुरु की आज्ञा थी तो बोले कुछ नहीं बैठे रहे, जिसको जो भी कहना था अपनी बेइज्जती ससुराल वालों को लग रही थी कि दामाद जो ऐसे बैठा हुआ भिखारी की तरह से वकील होकर, तो लोग बुरा भला बहुत बोले लेकिन ये कुछ भी हिले डुले नहीं बैठे रहे। और शाम तक में जितना भिक्षा में पैसा दाल चावल जो भी मिला कपड़े पर वो लाके गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव उसे सिर पर रख करके आनंद से नृत्य करने लगे और गुरुदेव को आनंदित होना स्वाभाविक था क्योंकि शिष्य ने गुरु निष्ठा और अभिमान शून्यता का पूर्ण परिचय दे दिया था। कितने रिश्तेदार ने नातेदार ससुराल के लोग सब डांटे फटकारे लेकिन ये तस्मस नहीं हुए और अपनी बेइज्जती नहीं महसूस किया इन्होंने, दिन भर बैठे रहे भिखारियों की लाइन में, जो भी चावल दाल पैसा जो भी मिला वो सब लाके गुरु चरणों में दिया था। गुरुदेव बहुत नृत्य किए इतना प्रसन्न हुए और 3 महीने बाद ठाकुर ने नित्यानंद से घर लौट जाने को कहा गुरुदेव ने, तब बोले मैं अब वकालत नहीं करूंगा गुरुदेव, क्योंकि वकालत में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। अब गुरुदेव ने कहा अच्छा वकालत मत करना, 7 दिन के भीतर तुम मुनसफ बन जाओगे,
ये गुरु जी की देखी भविष्यवाणी और आशीर्वाद। मुनसब का मतलब होता है जज। बोले 7 दिन के अंदर तुम जज बन जाओगे, मुनसब जज, और तब तुमको वकालत नहीं करना पड़ेगा। और महाराज गुरु के ऊपर विश्वास करके तब ये घर की तरफ लौट करके जाने को सोचे। इतनी गुरु की कृपा थी इनके ऊपर, इतनी भक्ति थी कि ये महाराज गुरु की बात को मान करके घर चले गए। और ऐसा आशीर्वाद था, ऐसी कृपा भगवान की थी कि 7 दिन के अंदर ये वकील की जगह मुनसब हो गए, मुनसब अर्थात जज हो गए। और इनको वकालत में जो झूठ बोलना था, झूठ बोलना पड़ता था, वो सबसे इनको मन दुखी होता था, उससे मुक्ति मिल गई। आगे इनका चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। महान भक्त से श्री राधे।